सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करते हैं। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी लंबाई आप 8.5 इंच तक रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए। ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद इसकी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो इसकी लंबाई मैं 7.5 इंच रख रही हूँ। लेकिन अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप जितनी लंबाई अपने गले की रखते हैं यानी इससे कम भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इसको कुछ वी शेप देंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1/2 इंच की दूरी पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम दोनों निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम बुकरम का एक टुकड़ा लेते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने करीब करीब 5.5 इंच रखी हुई है और इसकी लंबाई आप 12 इंच या 12.5 इंच रख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम एक 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर भी थोड़ी जगह छोड़ देंगे क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है, यहाँ से और यहाँ तक। इसके बाद हमने जो गले की कटिंग की हुई है उसको हम बीच में से फोल्ड करके जो हमारा 3 इंच का निशान है यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल इसी शेप में हम निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इधर भी बिल्कुल इसी चौड़ाई में निशान लगाएंगे। देखिए ये हमारे नेक का 1/2 हिस्सा है। इसके बाद हमें इससे थोड़ा सा आगे इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और अगर हमारी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो हम इस तरह से रख के उसको प्रेस से चिपका लेते हैं और अगर हमारी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो इस तरह से रख के उसके ऊपर चारों तरफ एक सिलाई लगा दें और आप ये बीच की दूरी नाप लें क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई डबल करके 3 इंच है तो ये 6 इंच पर आप निशान लगाएं इस तरह से और तब आप इसको प्रेस से चिपकाएं और इसके बाद थोड़ा बाहर बाहर से हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम इसको चारों तरफ से मोड़कर इसके ऊपर यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे।
चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और उसमें भी पहले हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और एक निशान इस तरह से लगाएंगे और इसमें भी यहाँ पर एक कट लगाएंगे। अब ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए और ये लाइनें भी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में इस सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ ये सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से पूरे गले की कटिंग करते हैं। इसके बाद हम एक कट बीच में लगाएंगे, हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और छोटे छोटे कट पूरे गले के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद हम अपने गले को इस तरह से पलटते हुए इसके ऊपर प्रेस कर लेते हैं। पलट कर प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर बड़ी करके चारों तरफ एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम अपना मैचिंग का कपड़ा लेते हैं और हमने ये जो डिज़ाइन कटिंग किया हुआ है हम इसको प्रेस से इस तरह से चिपका लेते हैं। लेकिन हमें पहले देखिए इस तरह से 3 इंच का एक निशान लगाना है क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है, तो ये यहाँ तक है। एक सीधी लाइन हमें इस तरह से खींचनी है और तब जहाँ पर ये हमारा 3 इंच आ रहा है वहाँ रख के तब हमें इसको चिपकाना है ताकि इसकी शेप बिल्कुल सही रहे। इसके बाद हम दोनों साइड से थोड़ा बाहर बाहर से इसी डिज़ाइन की शेप में इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम बीच बीच में इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि ये अंदर को आसानी से मुड़ जाए। जहाँ पर हमारे मोड़ हैं वहाँ पर हमें ज़रूर कट लगाने हैं। इसके बाद हम फैब्रिक ग्लू लेते हैं और इस तरह से हम उसको कपड़े के ऊपर लगाते जाएंगे। इससे बहुत सफाई से अंदर की साइड को मुड़ जाएगा और इसको इस तरह से मोड़ते जाएंगे। इसके बाद हम इस डिज़ाइन को इस तरह से रखते हैं और आप चाहें तो हल्के हल्के इस तरह से कहीं कहीं पर आप निशान लगा लें।
ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें कहाँ पर रखकर सिलाई लगानी है। जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये अंदर का कपड़ा दिखाई नहीं देना चाहिए। देखिए इस तरह से ये हमारा गला तैयार हो गया है। और आप यहाँ पर ये मोती भी लगा सकते हैं, हाथ से मोती लगाने हैं आपको सुई धागे से, और ये बटन बनाकर लगा सकते हैं मैचिंग के। और अगर आपको ये बटन बनाने और लगाने नहीं आते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।